फ्रेंड्स, टारगेट विद कंपटीशन एग्जाम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब के आइकॉन को क्लिक करें, इसके अलावा बेल आइकॉन को भी क्लिक करें जिससे हमारा लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में अब होगी माइनस मार्किंग। यह सबसे अहम खबर रही और सभी न्यूज़पेपर्स में यह खबर आई है। उत्तर प्रदेश से छपने वाले जितने भी न्यूज़पेपर हैं, नए विज्ञापन के तहत होने वाली आयोग की परीक्षाओं में होगा ये नया सिस्टम। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बड़ा चेंज किया है। देखते हैं पूरा विस्तृत न्यूज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अब परीक्षा में तुक्केबाजी नहीं चलेगी। आयोग ने संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर अपनी परीक्षाओं में माइनस मार्किंग की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया। आने वाले दिनों में जो भी परीक्षाएं नए विज्ञापनों के तहत होंगी उनमें यह व्यवस्था लागू की जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि तुक्केबाज जो आयोग की परीक्षाएं में गंभीरता से लें आयोग की परीक्षाओं में। इसके अलावा आयोग ने इस निर्णय का शासन से भी अपनी सहमति दे दी है। आयोग के सचिव जगदीश ने कहा जल्द ही माइनस मार्किंग की व्यवस्था लागू हो जाएगी। यानी कि पुराने जो विज्ञापन हैं, पुराने विज्ञप्ति जो भी पिछले कुछ सालों में आई उनकी जो भी परीक्षा होगी वो सेम पैटर्न से होगी जो कि विज्ञापन निकला था, एडवर्टाइजमेंट निकला था। लेकिन अब जब भी एडवर्टाइजमेंट निकलेगा और जिस परीक्षा में ऑप्शनल बहुविकल्पी प्रश्न होंगे उसमें सभी में नेगेटिव मार्किंग, यानी कि यूपीपीसीएस ने सोच लिया कि यूपीएससी की तरह ही परीक्षा आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा ये भी खबर आई थी कि मेंस की परीक्षा कुछ दिन पहले कि मेंस की परीक्षा भी यूपीपीसीएस की अगले वर्ष से, मतलब इस 2017 के बाद 2018 की जो भी उसमें मेंस की परीक्षा भी यूपीएससी की तरह ही होंगी। तो ये कहीं ना कहीं कड़ा संदेश देने की कोशिश है जो कि तुक्केबाज हैं और तुक्का मारकर भी परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं चाहे वो उनको नॉलेज हो या ना हो। तो इस तरह से ऑनलाइन परीक्षा की भी तैयारी इसमें कहा गया। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया प्रयोग के तौर पर कुछ परीक्षाओं में ऑनलाइन कराएगा, अगर इसमें सफलता मिलती है तो भविष्य में इसे भी लागू, इसके लिए उन्हीं परीक्षाओं को चुना जाएगा जिसमें परीक्षार्थियों की संख्या कम है। तो एक खबर यह भी है कि अब सभी परीक्षाएं जिस तरह से ऑनलाइन हो रही हैं चाहे वो SSC हो, IBPS हो, उसी तरह से अब स्टेट UPPCS ने भी ये सोचा है कि अब परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाए ताकि उसमें जो भी नकल या करने की चीटिंग जिस तरह की प्रक्रियाएं आजकल चल रही हैं उसमें उनसे छुटकारा मिल सके और जो ऑफलाइन परीक्षा अधिकतर लीक होने की संभावनाएं बनती है उनसे भी छुटकारा मिल सके। तो एक अहम खबर यूपीपीसीएस की जो एग्जाम की आने वाले भविष्य में लोग या स्टूडेंट्स तैयारी करेंगे। अगले किसी न्यूज के संग एक बार फिर उपस्थित होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।